हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ब्लॉग नंबर 2 ऑफ नैनीताल। हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग नहीं है, ये गुड आफ्टरनून हो रहा है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने लेट ब्लॉग बनाना शुरू किया है। अभी हो रहा है दोपहर का 2:30, और जैसे मैंने आपको भी मॉर्निंग में दिखाया, हमारा नैनीताल क्लब में हम लोगों ने बुकिंग करा रखी है और अभी हम लोग यहीं पे हैं। फ्राइडी एवरीवन, आज मैं आपको स्टेट गेस्ट हाउस दिखाती हूँ, जिसको नैनीताल क्लब भी बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं अपने नैनीताल इसमें। तो देखिए, ये होती है एंट्रेंस यहाँ से गेस्ट हाउस की, ये है रोड। हम लोग अभी यहाँ से सीधे सीधे चलेंगे और राज्य संपत्ति विभाग में हमारा स्वागत हो रहा है। और यहाँ से अगर हम पीछे देखेंगे तो आगमन की प्रतीक्षा में थैंक यू हो रहा है हमारा। और अब हम लोग सीधा चढ़ाई करेंगे यहाँ से, और मैं भी आपको गेस्ट हाउस का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो आइए हम लोग मिडिल सेक्शन में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नैनीताल पुलिस तैनात है, और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है ओनली फॉर VIPs, पार्किंग ओनली फॉर VIP, पर हम लोग VIP नहीं हैं हम लोग सिर्फ पी हैं पर्सन्स। तो यहाँ हम लोग अब स्वागत कक्ष की ओर जाएंगे, जो कुछ इधर की तरफ आएगा। अब हम लोगों को यहाँ से ऊपर की चढ़ाई करनी है। यहाँ पे एक और गेस्ट हाउस है, ये देखिए, पुराना ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ है ये पूरा। यहाँ पे मे बी जब कोई बड़ा ऑफिसर आता होगा तो स्टे करता होगा। ठीक, इतने सुंदर से ट्री के नीचे मेरा गेस्ट हाउस। ये देखिए गाइज, ये कुछ ऐसा नज़ारा हम लोगों को मिलता है एकदम पहाड़ों के बीच में। मेन स्वागत कक्ष के ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। देखिए ये मिस्टर क्लाइंबर, जिन्होंने जादू को ले रखा है पीछे। ये नीला बच्चा क्यों है? एनी हाउ, ये स्वागतम हम लोगों का हो रहा है। और ये अगर आप जो देख रहे हैं, ये है मेन कक्ष, रिसेप्शन एरिया यहाँ का है। यहाँ से आते हैं हम लोग, और अब मैं आपको अपने रूम जाने का रास्ता बताऊंगी, दिखाऊंगी, सॉरी। सो यस, लेट्स गो। देखिए, अब हम लोग मेन रिसेप्शन एरिया में आ गए हैं, राज अतिथि गृह से होते हुए। ये देखिए, ये मेन गेस्ट हाउस एरिया है। माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, अतिथि गृह, नैनीताल क्लब भवन, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से जो अगर आप जो ये सीढ़ी देख रहे हैं, ये वाली, यहाँ से वहाँ होते हुए उधर कहीं हम लोग का रूम है, जो अब मैं आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो टूवर्ड्स आर रूम। हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, और अगर आप उधर की तरफ देखें तो वहाँ पे पार्किंग है गेस्ट के लिए, अगेन VIPs के लिए होगा। और रात में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चेन लॉक कर दी जाती है कि कोई उधर जा ना सके। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। लेट्स गो, बहुत चढ़ना रहता है हम लोग को। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग अपने रूम की तरफ जाएंगे गार्डन के थ्रू। अंदर से भी जा सकते हैं, बट ये रूट हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेन गार्डन रूट है ये, इधर से भी एंट्री है दूसरे रूम की, हमारे रूम की नहीं। और ये आ गए हम लोग अपने फ्लोर के, और हमारा है रूम 44। ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं। और ये आ गया हमारा रूम। रूम मैंने आपको कल दिखा दिया है, सो आई विल नाउ सी यू जब हम लोग एक्सप्लोर करने चलेंगे। आप देख रहे हैं मैं वहीं से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज हम लोग जाएंगे लोकल नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कल हम लोग ने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली है, और अब हम लोग आज थोड़ा सा चिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल
मुक्तेश्वर के लिए निकलेंगे, तो वो भी बहुत ही बड़ी जर्नी होगी. सो इसलिए हम लोग ने आज थोड़ा लाइट रखा है. आज हम लोग लोकल मनाली को, नैनीताल को सॉरी, एक्सप्लोर करेंगे. अभी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रोपवे में जाएंगे. हम लोग आपको रोपवे दिखाते हैं. एंड आई विल सी यू देन. बाय बाय. ऑलराइटी गाइस, तो हम लोग आ गए अपने फर्स्ट लोकेशन पे, लेक व्यू पॉइंट. तो हम लोग रोपवे पे जाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली अभी रोपवे चल ही नहीं रही है. तो हम लोगों ने कैब बुक कर ली. अब वो हमें पूरे नैनीताल के दर्शन कराएंगे. तो अभी हम लोग हैं लेक वॉइट व्यू पॉइंट पे, जहाँ हम लोग नेचुरल ब्यूटी और फॉरेस्ट से कवर्ड है. एंड हैव सम फन हियर.
और गाइस हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पे बोटिंग करने। हम जैसा देख रहे हैं सारे बादल ऊपर के नीचे रखे हैं। ये है हमारी बोट, हम ही दोनों हैं इसमें। ये गाइस हम लोग आ गए हैं ताल के अंदर। ये हमारे बोट वाले भैया और अब हम लोग जा रहे हैं ताल। इधर है धूप और उधर है क्लाउड्स। तो साफ हो गया है ना। ये हम लोग ताल का सफर करते हुए, धूप निकल आई है बढ़िया से। हाँ हाँ जी हाँ, एकदम मैंने कस के पकड़। देखिए अब हम लोग नैना मंदिर की ओर जा रहे हैं। वो रहा मंदिर जिस पे नैना नैनीताल का नाम पड़ा है, नैना नैनीताल। तो आ गए हैं नैना देवी मंदिर। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हुई हमारी बोट राइड ख़त्म। कैसी रही बोट राइड? बहुत अच्छी थी। अब हम लोग जाएंगे नैना देवी दर्शन करेंगे। और राइट गाइज, हम लोग मंदिर से पहले एक डिटोर ले रहे हैं। हम लोग आए हैं ठंडी सड़क पे अभी। ये देख सकते हैं आप, ये जो सड़क आपको दिख रही है इसको कहा जाता है ठंडी सड़क। ये जो देख रहे हैं ताल, अभी हम लोग इसी पे बोटिंग करके यहाँ पे आए हैं। और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप देख रहे हैं पीछे ट्रीज जंगल। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर भ्रमण करके अब फिर दर्शन करने जाएंगे। ठंडी रोड है ये, ठंडी रोड जस्ट राइट नेक्स्ट टू द ताल। मतलब मैं सोच रहा था और ये है मंदिर के बाहर का सीन, देख सकते हैं आप। अब हो रहा देखिए मंदिर राइट। और ये अंकल बहुत देर से गा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे गाने। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। ये तिब्बतन मार्केट, और गाइस हम लोग अब वापस
आ गए हैं अपने क्लब हाउस। ऑलराइटी गाइस, तो अब हम लोग वापस नैनीताल क्लब आ गए हैं और आज के लिए इतना ही हम लोग ने एक्सप्लोर किया। अब हम लोग कल जाएंगे नैनीताल day 3 और वहाँ हम जाएंगे मुक्तेश्वर मंदिर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।